राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कृषि जमीन में पति का हक। अगर कृषि जमीन में पति कब उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार होगा, ठीक। लेकिन ये तब जब कृषि जमीन उसकी पत्नी के नाम हो, यानी कृषि जमीन किसी महिला के नाम हो और उस महिला के मृत्यु होने पे उसके पति को संपत्ति में हिस्सा कब मिलेगा, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक है। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं, नोट्स की सुविधा उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को PCSJ UP APO या अदर स्टेट का APO या HJS की तैयारी करना है या वो कर रहा है, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर कोई बच्चा एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, LLB कर रहा है, LLM कर रहा है, उसको लगता है कि उसे अच्छे नंबर गेन करने के लिए कहीं संस्थान में दाखिला लेना चाहिए, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है या हमारे नोट्स को लेके पढ़ सकता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले कृषि भूमि में पति का हक। कृषि भूमि में पति का हक कब होता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 110 देखनी होगी। कौन सी धारा? धारा 110 में पतियों के हिस्से की बात की गई है। तो पति का हिस्सा कब होता है? जब किसी महिला की जिसके नाम कोई एग्रीकल्चरल लैंड हो, यानी कृषि भूमि हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर महिला की मृत्यु हो जाती है और अगर इसके संतान हैं, यानी बेटा यानी पुत्र हैं या पुत्री है, ठीक है, पुत्र है या पुत्री है, लेकिन पुत्री में कौन सा? अविवाहित पुत्री। तो संपत्ति सबसे पहले बेटों या बेटियों को चली जाएगी। अगर कोई पुत्री नहीं है लेकिन पुत्र थे, लेकिन पुत्रों की भी मृत्यु हो गई, यानी बेटों की भी मृत्यु हो चुकी है, तो बेटों की अगर संतानें हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो संपत्ति उनको चली जाएगी। यानी अगर इसके नीचे कोई लड़की या लड़का है, यानी पुत्र या पुत्री है, तो संपत्ति उसको चली जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या होना चाहिए कि जिस महिला की मृत्यु हो रही है, जिसके नाम जमीन है, उसके कोई संतान ना हो, या तो निःसंतान हो या तो संतान होने पे सब मर चुके हों, ठीक है। अगर संतान है तो केवल बेटियां हों और उनकी विवाह हो चुकी हो, यानी या तो कोई महिला जिसके नाम कृषि जमीन है उसके मरने पे उसके कोई संतान ही ना हो, निःसंतान महिला हो, शादीशुदा थी लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे, कृषि जमीन उसके नाम थी, उससे कोई बच्चे ही नहीं हुए, या बच्चे हुए सब मर गए, या बच्चे तो हैं लेकिन वो सब लड़कियां हैं और लड़कियां सब विवाहित हैं, अगर उसमें से कोई भी अविवाहित लड़की है तो सारी संपत्ति उसी को चली जाएगी। अगर सारी लड़कियां अविवाहित हैं तो उनको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा, सभी विवाहित हैं तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तब उसके जो है पति का हक होगा। किसका? महिला के पति का हक तभी बनेगा। तो पति का हक कब बनेगा, यानी किसी महिला के मृत्यु होने पे कृषि जमीन में पति का हक तब बनता है जब वो उस महिला के ना तो कोई संतान हो, ठीक है, निःसंतान उसकी मृत्यु हो जाए, या संतान हो लेकिन सब मर चुके हों, या संतान होने में केवल बेटियां हों और वो बेटियां सब विवाहित हो चुकी हों, तब ऐसी स्थिति में किसको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? पति को। कितना? पूरी की पूरी संपत्ति पति को मिल जाएगी। लेकिन फिर ध्यान दीजिए, अगर महिला की मृत्यु होने पे उसके बच्चे थे, बच्चों की मृत्यु हो गई है, ठीक है, मतलब बेटे थे, लड़के थे, लड़कों की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन लड़कों के, यानी उसके लड़के के लड़के हैं, यानी उसके संतान हैं, यानी कुल मिला के उसके नाती पोता हैं, तो पति को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी पति को दूसरे वर्ग का उत्तराधिकारी माना गया है, प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी ना होने पे दूसरे वर्ग यानी पति को हिस्सा तभी मिलता है। इस तरह से डायरेक्ट पत्नी के मृत्यु होने पे पति को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा कृषि भूमि में, ये तब मिलेगा जब उसके संतान ना हो
और संतान अगर नहीं है लेकिन उनके नाती पोता हैं तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, यानी पोता पोती हैं तब भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर से जरा समझिए एक बार, अगर कोई एक महिला है, इस महिला की शादी हो चुकी है, इसके कोई, ये हम बता रहे कब उसके पति को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, पति के नाम कोई ज़मीन नहीं है, पत्नी के नाम सारी ज़मीन लिख दिया था, ठीक है, या सारी ज़मीन पत्नी के नाम खरीद दिया था, ऐसी स्थिति में या पत्नी को कहीं से भी मिला या पत्नी ने स्वयं से कमा के खरीदा, मतलब कुल मिला के जमीन पत्नी के नाम है, कहाँ से आया है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। हाँ, उत्तराधिकार में ना आया हो, ध्यान दीजिएगा, उत्तराधिकार में महिला को ना संपत्ति मिली हुई हो, अगर उत्तराधिकार में मिली है तो पति को कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, पति को कुछ नहीं मिलेगा अगर उत्तराधिकार में महिला को संपत्ति मिली है तो। महिला ने संपत्ति उत्तराधिकार से भिन्न अवस्था में पाई, चाहे खरीदी हो चाहे उसके नाम किसी ने खरीदा हो, ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु होने पे सबसे पहले उसकी संपत्ति उसके अपने बेटे और बेटियों में जाती है। अगर एक बेटा है या एक से अधिक बेटियां तो सभी को बट जाएगा, लेकिन बेटियों में केवल वो बेटियां जिनकी शादी ना हुई हो, जिनको जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन्हें नहीं मिलेगा, उनको हिस्सा कब मिलता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। हाँ, अगर बेटे बेटियाँ थे लेकिन मर गए हैं, लेकिन बेटे के यानी उसके पुत्र के बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो इससे मतलब नहीं है, तो भी पति को कुछ नहीं मिलेगा अगर बच्चे हैं तो। यानी कुल मिला के उस महिला के ना तो कोई संतान हो, और अगर संतान है तो वो सब लड़कियां हो, सबकी विवाह हो चुकी हो, या अगर उसमें से एक भी अविवाहित है तो सब उसको मिल जाएगा। अगर कोई संतान नहीं है और संतानों के मतलब बेटों के भी कोई बेटों या बेटे, ठीक है, के भी कोई बच्चे नहीं हैं तब पति को हिस्सा मिलेगा, अन्यथा पति को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पति किस वर्ग का उत्तराधिकारी हुआ, सेकंड नंबर का उत्तराधिकारी होता है, लेकिन ये तभी होता है अक्सर जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो और उसके कोई संतान ना हो, या संतान हो तो लड़कियां केवल हो, सबकी शादी हो गई हो, तब भी पति को मिल जाएगा हिस्सा। अगर महिला की शादी के बाद उसके बेटे हुए हैं लेकिन बेटे की भी मृत्यु हो गई, लेकिन बेटे के अगर कोई संतान है, चाहे वो जितनी पीढ़ी में नीचे क्यों ना हो, तो भी पति को कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है। इस तरह से आपने देखा पति को संपत्ति में हिस्सा कब मिलता है, पति दूसरे वर्ग का उत्तराधिकारी होता है लेकिन पत्नी प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी होती है। अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को तुरंत संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति में पति को हिस्सा तुरंत नहीं मिलता है, वो तब मिलेगा जब उसके बच्चे ना हों, या बच्चे नहीं हैं लेकिन बच्चों के बच्चे हैं तब भी पति को नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कृषि भूमि में पति का हक या पति का उत्तराधिकार का नियम क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 110 में इसको स्पष्ट तौर से बताया गया है। इस पर कोई केसला पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नियमावली पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, साफ प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 110 में किया गया है।